हेलो एवरीवन, तो आ गए मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टार्टिंग में न्यू चैनल पर व्यूज़ कैसे लाएं। आप अपने वीडियो में कुछ गलतियां करते हैं, उनको सुधारना है, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको सही करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको सुधार करना है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको आपको सही करना है, जिनको आपको फोकस करना है उस पर, और उसको सही से सब कुछ सही करना है फ्रेंड। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो सबसे पहला काम करना है फ्रेंड, बहुत सारे यूट्यूबर यही गलती करते हैं। इसी की वजह से अगर न्यू यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं फ्रेंड, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड कि सबसे पहला जो काम है, आपको थंबनेल बहुत अच्छा बनाना है। दोस्तों, थंबनेल बहुत अच्छा बनाना है। अब यहाँ पर होता क्या है, थंबनेल बनाने से अच्छा क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अगर यूट्यूब ने, अगर आपने वीडियो अपलोड किया, वीडियो अपलोड करने के बाद में आप अभी न्यू चैनल ओपन किए हैं आपने, तो आपके अभी सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, आपको लोग जानते भी नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानते भी नहीं लोग, ये तो आपको पता ही होगा, सब्सक्राइबर कम रहते हैं। स्टार्टिंग में आपको कौन पहचानता है, कोई नहीं जानता है। जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, 10 लोगों तक भेजा यूट्यूब ने, अगर वीडियो आप अपलोड किए तो 10 लोगों तक यूट्यूब ने भेजा। अब 10 लोगों तक जब यूट्यूब ने भेजा, तो अगर आपका थंबनेल सही है, यहाँ पे ध्यान से आपको सुनना है इस बात को और सही करना है ये सब जो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपकी वीडियो को 10 लोगों तक यूट्यूब ने भेजा, न्यू चैनल है आपका, 10 लोगों तक भेजा, अब 10 लोगों में अगर थंबनेल अच्छा है आपको आपका, तो हो सकता है 5 लोगों ने क्लिक किए उस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, 5 लोगों ने क्लिक किया उस वीडियो पर, आपके थंबनेल अच्छा है, मतलब 10 लोगों तक यूट्यूब ने भेजा और आपका थंबनेल अच्छा देख के 5 लोगों ने क्लिक किया, उसको देखा, फॉर एग्ज़ाम्पल 50% देखा। जैसा अगर 4 मिनट का आपका वीडियो है, तो 2 मिनट या 1.5 मिनट का आपका वीडियो उन लोगों ने देखा जो 5 लोगों ने क्लिक किया फ्रेंड। अब यहाँ से होगा क्या, जब 50% 5 लोगों ने देखा, तो थंबनेल सही था इसी की वजह से देखा, आपको तो पहचानते नहीं हैं। तो अब YouTube क्या करेगा, जब 5 लोगों ने ओपन करके देखा 50%, तो YouTube क्या करता है, फिर से 100 लोगों तक भेजेगा फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, इंप्रेशन जो होता है ना, YouTube इसीलिए ज़्यादा भेजता है जब आपके वीडियो पर क्लिक होते हैं और वॉच टाइम बढ़ता है। तो जब आपके 5 लोगों ने देखा 50%, तो YouTube क्या करेगा, 100 लोगों के पास फिर से भेज देगा उसी वीडियो को। जब 100 लोगों के पास YouTube भेजा, तो अगर थंबनेल आपका अच्छा है, फिर थंबनेल का बात ही यहाँ पर आ जाता है, थंबनेल अगर आपका अच्छा है तो उस पे 100 लोगों तक आप, अगर आपका वीडियो गया 100 लोगों के पास, भेजा YouTube ने, तो हो सकता है 50 लोगों ने, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लोगों ने क्लिक किया आपके वीडियो पर, 100 लोगों के पास भेजा YouTube ने, 50 लोगों ने क्लिक किया और 50% फिर से देखा 50 लोगों ने, तो YouTube क्या करेगा, अब 1000 लोगों के पास भेजेगा। जब 1000 लोगों के पास भेजा YouTube ने, तो अब वहाँ पर थंबनेल सही है आपका, तो हो सकता है 500 लोग क्लिक करें और देखें वीडियो को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 500 लोगों ने क्लिक किए और 50% देखें फ्रेंड, अब फिर से YouTube क्या करेगा, 1 लाख लोगों तक भेजेगा आपकी वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे मैटर क्या क्या, थंबनेल, क्योंकि आपको तो कोई पहचानता नहीं है, आपको तो कोई जानता नहीं, आपको आपकी वीडियो को कौन क्यों देखेगा, लेकिन थंबनेल अच्छा था आपका, इसीलिए 1 लाख तक ऐसा करेंगे तो 1 लाख तक इंप्रेशन जाएगा। अगर थंबनेल अच्छा रहेगा, तो हो सकता है कि व्यूज़ ज़्यादा हो जाएं। दोस्तों, ये पहला काम करना है आपको। दूसरा काम करना है ये फ्रेंड कि आपको कुछ यूनिक, स्टार्टिंग में कुछ आपको यूनिक बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हैं, तो कुछ नया बनाने की, कुछ नया करने की सोचिए, कुछ अच्छा करने की। अब आप कहेंगे कि नया क्या करूँ, सब कुछ ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है, सब कुछ डाला हुआ है। तो ठीक है, अगर सब कुछ डाला हुआ है, आप नया नहीं कर सकते हैं फ्रेंड, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर नया नहीं करते हैं, तो उसी वीडियो को जो बहुत सारा YouTube पे है, तो जो सही लगे, जो वायरल टॉपिक रहे, जो नीड हो, जो चल रही हो जिस समय, इस समय, उसको क्या करना है आपको, उसी वीडियो को आपको बनाना है, लेकिन उसको देखना है। तो उसमें जो है फ्रेंड कि उस बहुत सारे लोगों में ये ऐसी प्रॉब्लम होती है कि ना, क्या नाम है, वॉइस सही होती है ना, बोलने का सही तरीका होता है ना, ऐसा बोलते हैं कि समझ में नहीं आता। तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बात करना है, ताकि आपके व्यूवर को आपकी बातें समझ में आए, और स्टार्टिंग में आपको अच्छा जानकारी देना है। ऐसा नहीं कि थंबनेल में कुछ और कंटेंट में कुछ और, तो आपको अच्छा जानकारी देना है, आपको कंटेंट अच्छा बनाना है फ्रेंड, जानकारी अच्छा देना है। स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइबर और व्यूज़ पाने के लिए,
कि आपको अच्छा कंटेंट बनाना होगा। झूठ गलत मतलब थंबनेल बना के थंबनेल में कुछ और रहेगा, अगर कंटेंट में कुछ और रहेगा तो आपके इससे सब्सक्राइबर नहीं इंक्रीज होंगे। तो आपको स्टार्टिंग में अच्छा कंटेंट बनाना है और अच्छे से बात करना है कि लोगों को समझ में आए आपकी बातें, जो आप बात करें वो बात लोगों को समझ में आए। ये दूसरा पॉइंट हो गया फ्रेंड। अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन जो टैग है ये सब पूरे सही से लगाना है। कहाँ से टैग कॉपी करें, कहाँ से वायरल टैग निकालें, और डिस्क्रिप्शन टाइटल अपने खुद से नहीं लिखना है, ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है फ्रेंड। तो आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग सब कुछ सही से लगाना है, क्योंकि जब टाइटल और डिस्क्रिप्शन टैग सब कुछ अच्छे से लगा रहता है तो आपका सर्च में भी आने का चांसेस रहता है। ऐसा नहीं कि नया वीडियो सर्च में नहीं आता है, आपका अगर एक ही वीडियो आपने अपलोड किया है अगर टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग अच्छे से लगाए हैं और उस पर वॉच टाइम अच्छा आ रहा है, क्लिक उस पर अच्छे हो रहे हैं, तो वो सर्चेबल बन जाता है फ्रेंड, सर्च में आने लगता है। तो दोस्तों ये तीसरा काम हो गया फ्रेंड। अब चौथा काम मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड कि आप जब भी बात करें अपने व्यूवर से, आपको ये मैटर करता है कि कितना टाइम तक अपने व्यूवर को रोक सकते हो, अपने अटैचमेंट कर सकते हो, मतलब अपने से मतलब जोड़ तो आपके वीडियो को आपका व्यूवर देख रहा है, तो आपको ऐसा करना है कि वो व्यूवर जो देख रहा है वो और ज़्यादा आपकी वीडियो को वॉच करे। तो ऐसा कैसे करें फ्रेंड? अब कुछ लोग होते हैं कि ये जो आई से फ्रेंड, ये जो आँख है आपकी, वो आँख आपके व्यूवर के सामने होनी चाहिए, जैसा मैं अभी आपको देख रहा हूँ इस तरीके का। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर अगर देख के मैं बात करूँगा या इधर मैं देख के बात करूँगा तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि मुझसे देख के बात ही नहीं कर रहा है, ये तो उधर देख के बात कर रहा है, तो वो कट करके, जाहिर सी बात है कट करके आपके वीडियो को चला जाएगा। स्टार्टिंग में आपको ये बात ध्यान रखना है फ्रेंड, आप जब भी वीडियो बनाएं तो एकदम बिल्कुल कैमरे के सामने आपकी जो आंखें होनी चाहिए, ऐसा लगे आपके व्यूअर को कि मुझसे ही बात कर रहा है ये। नहीं तो अगर आप इधर उधर देख के बात करेंगे तो आपके व्यूअर जो हैं वो ओपन तो करेगा आपकी वीडियो को लेकिन कट करके चला जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है कि आप अपने व्यूअर को कितना टाइम तक अपने वीडियो पर रोक सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अपने व्यूअर को कितना टाइम तक रोक सकते हो, जितना वॉच करेगा फ्रेंड, अब जितने वॉच करते हैं, जितना देखेंगे लोग आपके वीडियो को, जितना आपका वॉच टाइम बढ़ेगा उतना ही इंप्रेशन बढ़ता चला जाएगा फ्रेंड। खाली क्लिक से नहीं होता, खाली व्यूज़ आने से नहीं होता है, आपके वॉच टाइम भी बहुत ज़रूरी है कि लोग देखें। तो आपका कंटेंट सही रहेगा, आपका बोलने का तरीका सही रहेगा, अगर आप सामने बैठ कर अगर कैमरे के सामने बिल्कुल व्यूअर से बात करेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि आपके वीडियो को देखते देखते चला जाएगा, फुल वॉच कर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब पूरी वीडियो ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप मिस्टेक करेंगे कुछ भी, इधर उधर देखेंगे और या फिर आप बताएंगे जो समझ में नहीं आएगा इतनी स्पीड में, या ऐसा बताएंगे कि स्टार्टिंग में आपका थंबनेल कुछ और है और वीडियो में कुछ और है, कुछ सही नहीं है, तो इससे भी आपके चैनल पर व्यूज़ भी नहीं आएंगे ज़्यादा। और तो इस सब काम को आपको सही से करना है, न्यू यूट्यूबर हो, न्यू अभी चैनल क्रिएट किए हो, तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब बात को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो व्यूज़ नहीं आएंगे। और आपको रेगुलर रहना है अपने वीडियो पर, अपने चैनल पर, ऐसा नहीं कि एक दो वीडियो डाले और व्यूज़ नहीं आए उसके कारण छोड़ के आप यूट्यूब चले गए, तो ऐसे में आपका बहुत नुकसान है फ्रेंड, आप कभी यूट्यूबर हो सकता है ना बन पाएँ, क्योंकि आप व्यूज़ ना आए फिर भी कंटिन्यू मेहनत करना है। एक दिन में दो दिन में व्यूज़ नहीं आते हैं क्योंकि आपको कोई पहचानता नहीं है, कोई जानता नहीं है। तो दोस्तों ये सब पूरी बात आपको समझ में आई होगी, इस सब बात को आपको फॉलो करना है। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपके मन में कुछ भी सवाल है, आपका कुछ भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा फ्रेंड।